So first of all, as I told you, we are going to talk about emotional eating today. And first of all, we need to understand what is our relationship with the food, because ultimately, food is something that gives us some feeling, some satisfaction, some happiness. Okay, so we have this different kinds of relationship with our different foods. So, सबसे पहले ये जानना है कि इमोशनल ईटिंग क्या होता है और कैसे हमारा ये जो रिलेशनशिप है खाने के साथ, वी कैन चेंज इट, वी कैन इम्प्रूव इट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई जस्ट टॉक अबाउट हाउ वी आर रिलेटेड टू फूड राइट फ्रॉम आर कल्चर. मतलब बचपन से ही हमें सिखाया गया है या फिर ये हमारे कल्चर में ही है कि कुछ भी हो, खाना इज इम्पॉर्टेंट. सो इट कुड बी एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, सम कार्निवल, कुछ खुशी का मौका है, किसी की शादी है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, वी गो एंड हैव फूड, राइट. कोई फेस्टिवल है, दिवाली की मिठाइयाँ है या फिर करंजी वगैरह, होली में हम ठंडाई पीते हैं, सर डिफरेंट डिफरेंट कोई भी फेस्टिवल हो इंडिया में, कुछ ना कुछ उसकी स्पेशलिटी खाने से होती है. इवन कोई बीमार है, हम किसी को अगर हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हैं, हम फ्रूट्स लेके जाएंगे, हम नारियल पानी लेके जाएंगे उनके लिए. व्हाई? बिकॉज दिस इज आर वे टू शो लव. फर्स्ट ऑफ ऑल, लव केयर एवरीथिंग. सो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हम इमोशन हमारे शेयर कर रहे हैं. और इवन एक सेंसिटिव जब बात आती है किसी के डेथ की, तभी भी खाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मेहमान आते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे नियर एंड डियर वंस, दोज हु कम इन टू सपोर्ट अस इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, उनको भी हम खाना खिला के भेजते हैं. एंड इवन आफ्टर दैट, आफ्टर 10 10 डेज या 12 डेज, 13 डेज, हर एक कल्चर में अलग अलग होता है, वी हैव दिस ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग सम काइंड ऑफ फूड, जहाँ पे हम लोगों को बांटते हैं, खाना बांटते हैं, लोगों को खाने पे बुलाते हैं. सो कोई भी ओकेजन क्यों ना हो, कोई सेलिब्रेशन हो या इवन एज सेंसिटिव एज डेथ जैसा भी कोई टॉपिक क्यों ना हो, हम खाना हमेशा बांटते हैं. फूड इज ऑल्सो इक्वल टू लव, स्टार्टिंग फ्रॉम द मदर्स मिल्क, द फर्स्ट डे ऑफ द चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड. उसके साथ साथ जब हम बड़े होते हैं, तो हम सारे, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स है, स्पेसिफिकली जो लेडीज है जो खाना कुक करती है, जैसे कि दादी के हाथ की कुछ पर्टिकुलर मिठाई है जो मैं बहुत पसंद है, नानी के घर जाते तभी कोई कोई पर्टिकुलर खाना है जो वो आपके लिए स्पेशली बना के देती है, तो वो सारी चीज हम कहीं ना कहीं फूड को लव के साथ कनेक्ट करते हैं. इवन वेन वी गो ऑन अ रोमांटिक डेट्स, वी चूज सम काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट और अ प्लेस वेर वी कैन ईट एंड स्पेंड टाइम टुगेदर. अगर फ्रेंड्स के साथ भी कहीं जा रहे हैं, तो कोई ऐसा, अगर यंगस्टर्स है तो कोई क्लब ऐसा चूज करेंगे जहाँ पे अच्छा खाना भी मिलता है, वाइब्स भी अच्छी है, एनवायरमेंट भी अच्छा है, सो दैट दे कैन हैव अ फन टाइम टुगेदर. सो दिस इज हाउ फूड इज ऑल्सो रिलेटेड टू लव, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ मेमोरीज. अगर स्पेसिफिकली मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ, सो मैं कहीं पे भी जाती हूँ आउट ऑफ मुंबई, कोई भी सिटी में, हर एक वहां का जो स्पेशलिटी खाना होता है, आई टेस्ट दैट एंड इफ आई लाइक दैट, आई विल रजिस्टर दैट ओवर हियर. मतलब कुछ भी खाया हो और वो एक पर्टिकुलर चीज बहुत ही याद आएगी, राइट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद में जाते हैं तो एक पर्टिकुलर कुल्फी मिलती है वहां पे जो बहुत ही फेमस है और सच में टेस्टी भी है. इवन कोई एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का कोई एक पर्टिकुलर जो खाना होता है, कोई डिश होती है, दैट इज वेरी मच क्लोज टू योर हार्ट, सो एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है. और ये सिर्फ ऐसे फैंसी जगहों की नहीं, इवन एज सिंपल एज कोई मंदिर का प्रसाद है, जैसे कि जलाराम जयंती में खिचड़ी बांटती है हर जगह पे, सो ये सारी चीज का भी एक काफी अच्छा मेमोरी कनेक्शन होता है हमारे साथ. एंड लास्टली, फूड है जो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हमारा जुड़ा हुआ रहता है हर एक फूड के साथ. फॉर एग्जाम्पल, मेरी पर्सनल बात करूँ तो आई थिंक नर्सरी से लेके जूनियर सीनियर फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड तक माई मम्मा यूज टू गिव मी दिस गुड़ रोटी. बिफोर कोई भी एग्जाम हो, गुड़ रोटी खा के ही जाना है. तो कहीं ना कहीं मैंने वो मेंटल कनेक्ट बना लिया कि अगर मैं ये खा के जा रही हूँ, मेरी एग्जाम अच्छी जा रही है. एंड समटाइम्स दैट कनेक्शन वॉज मेड स्ट्रॉन्ग बिकॉज कभी कभार नहीं भी खा के गए हो और शायद पेपर अच्छा नहीं गया हो, तो एक एक कनेक्शन बन जाता है, एक्सपीरियंस बन जाता है. या फिर कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में आप गए हो, वो खाने के बाद आपका पेट खराब हो गया, एसिडिटी हो गई, सो यू हैव दिस कनेक्शन बिल्ड. एंड ये सारे जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं फीलिंग से बनते हैं, जैसे कि या तो हैप्पीनेस की फीलिंग हो गई या किसी के साथ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग हो गई. ओके, एज वी आर गोइंग आउट विद आवर फ्रेंड्स, वो हमारा एक क्लोज सर्कल होता है, सो दैट टर्म ऑफ बिलोंगिंगनेस कम्स फ्रॉम देयर. एक कुछ सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ, कहीं का कुछ खाया था तो बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फाइड फील हुआ. या फिर फियर,
कुछ ना कुछ फीलिंग से रिलेटेड हमारा वो कनेक्शन होता ही है. सो दिस इज हाउ फूड इज रूटेड इन आवर कल्चर एंड इन आवर लाइफ फ्रॉम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो अब हम ये देखते हैं कि करंट ट्रेंड्स जो है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है इमोशनल ईटिंग के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बचपन से ही, जब बच्चा रोता है, जब स्पेसिफिकली व्हेन ही इज नॉट स्पीकिंग, तो शायद कभी कभी मदर्स परेशान होते कि वी डोंट नो व्हाई द चाइल्ड इज क्राइंग, सो लेट्स फीड द चाइल्ड. तो वो एक कनेक्शन वहां से बनता है कि अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम है खाना खाना चाहिए, या फिर बच्चा कुछ स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता है, व्हाट वी डू इज वी गिव हिम अ चॉकलेट. आपने आज फर्स्ट रैंक आया आपका, एक आपके लिए बड़ी चॉकलेट या बड़ी सी केक पेस्ट्री वॉट एवर. सो एक फूड को एज अ रिवॉर्ड के फॉर्म में भी देखा जाता है. सो समवेयर द चाइल्ड इज मेकिंग दिस कनेक्शन राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड कि अगर कुछ अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है आई हैव टू ईट. ओके, अब आफ्टर दैट जब हम बड़े होते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेसफुल हमारा एक एक्सपीरियंस होता है कोई लाइफ में. सो एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो कि जब भी हम स्ट्रेसफुल फील करते हैं हमारी पेरिफेरीज, हमारे हाथ पैर को ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत होती है, बिकॉज इट इज अ रिस्पॉन्स कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स. के लिए हमें अपनी बॉडी को तैयार करना होता है. एंड नो मैटर हमने कुछ खाना खाया है नहीं खाया है, वी क्रेव फॉर फूड, स्पेसिफिकली द स्वीट फूड और द शुगरी फूड, जिससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज का जो सप्लाई है वो बढ़ता रहे. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी फील यू नो सम काइंड ऑफ फूड क्रेविंग. गोइंग अहेड सम, अभी आजकल सोशल मीडिया काफी चल रहा है, मतलब हम दिन के 4-5 घंटे यूजुअली सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, स्पेसिफिकली यंगस्टर्स, जहाँ पे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, हर जगह पे फूड रील्स बहुत चल रहे हैं. ऐसे ऐसे शॉर्ट वीडियोज जहाँ के फूड ब्लॉगर्स बहुत बढ़ गए हैं आजकल. ओके, सो दे गो टू नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द यू नो स्मॉल टाउन सिटीज और वहाँ की क्या स्पेशलिटी है वो जाके बताते हैं. द काइंड ऑफ वीडियोज दे टेक वो हमें ट्रिगर करती है माइंड में कि हाँ चलो यहाँ जाके ये चीज खानी चाहिए. कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्ट करवाते हैं. कितने रेसिपी के वीडियोज आजकल हम देख रहे हैं इंटरनेट पे, एंड इवन फूड एडवर्टाइजमेंट, कोई भी कंपनी का एडवर्टाइज हम टीवी पे देखे या कहीं पे भी देखे, समवेयर दे आर कनेक्टिंग दैट फूड विथ आर इमोशंस. ओके, एंड कहीं ना कहीं वो हमें ऐसा फील करवा रहे हैं कि अगर आपने ये नहीं खाया तो आप लाइफ में कुछ मिस कर रहे हो. फोमो, दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं, वो क्रिएट करता है. एंड उसके वजह से वी फील लाइक ईटिंग. एंड जब भी हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं हमें वो फूड खाने की मे बी याद आती है, बिकॉज समवेयर द एड शोड दैट अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है देन यू शुड ईट दिस. ओके, एंड लास्टली इतने सारे फूड डिलीवरी एप्स बढ़ गए हैं, इतने सारे ऑफर्स रहते हैं कि नाउ एक्सेस टू फूड इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. कुछ ना कुछ मन हो रहा है, कुछ नहीं है घर पे, ऑर्डर कर सकते हैं, विद इन 10-15 मिनट्स आपके पास वो फूड अवेलेबल हो सकता है. सो हाउ डस दस इमोशनल ईटिंग इज लुकिंग दीज डेज. पहले के जमाने में थोड़ा अलग था क्योंकि तभी सोशल मीडिया वगैरह कम था. अभी आजकल क्या है, लोग कुछ ना कुछ चीज भूलने के लिए, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है उसको भूलने के लिए दे ईट. दे ईट टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्व्स. कुछ प्रॉब्लम है सो एंड यू वॉन्ट टू फोकस ऑन दैट सोल्यूशन बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेट्स ईट समथिंग सो दैट वी आर माइंड इज फ्रेश एंड हम खाते हैं. इट इज नॉट जस्ट अबाउट फूड, एक कप चाय पी लिया या वो सब भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जो भी एंटर हो रहा है एज फूड इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन ऑल दिस बिग स्पेक्ट्रम. ईटिंग टू फील बेटर, ईटिंग टू यू नो रिमूव सम बोर्डम, बोर हो रहा है, कुछ करने को नहीं है, कुछ खाना खाते हैं. सो ये सारे पैटर्न्स हम कहीं ना कहीं नोइंगली अनोइंगली सेट कर रहे हैं हमारे लाइफ में, कुछ भी नहीं है. सो इवन विदाउट दैट डाइनिंग टेबल पे कुछ फूड पड़ा है, लेट्स ईट इट जस्ट बिकॉज द फूड इज एग्जिस्टिंग ओवर देयर. ओके, एंड ईटिंग एट समवन इज द टाइम वेयर कोई हमें कोई रेस्टोरेंट में लेके जाता है या फिर हम किसी घर पे गए एंड दे मेक अस ईट, यू नो जबरदस्ती से खाना ही पड़ेगा आपको हम हमारे घर पे आए हो तो. सो ये सारी चीजें या तो नोइंगली अनोइंगली विलिंगली या यू नो अनविलिंगली हम खाना खा लेते हैं. समवेयर दिस इज ऑल इज कनेक्टेड टू इमोशनल ईटिंग. सो फर्स्ट अभी हमें करना क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वाई आर वी क्रेविंग फूड. इट कुड बी बिकॉज ऑफ लो ब्लड शुगर्स, नॉट नेसेसरली यू हैव टू हैव डायबिटीज फॉर दिस. किसी को अगर किसी ने खाना नहीं खाया है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है बॉडी में, उसकी वजह से भी कभी कभी लो ब्लड शुगर फील होता है. अगर आपने अच्छे से सोया नहीं है रात भर, इट कुड बी यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट और यू आर वॉचिंग सम सीरीज, वट एवर, अच्छे से अगर आप सोते नहीं हो, बॉडी में स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट रहता है बिकॉज ऑफ विच
the body craves for food. Agar aap dehydrated ho, people don't understand, even people of 30-40 years of age, okay, don't understand if they are thirsty or hungry. प्यास लगी है या भूख लगी समझ में नहीं आता है एंड उनको पहले याद आता है कि कुछ खा लेते हैं. ओके एंड देन इफ यू आर रियली हंग्री, मतलब अगर वो हंगर है तो वाई दैट इज एग्जिस्टिंग, आर यू आर हैविंग अ वेरी ह्यूज गैप बिटवीन योर मील्स. अगर सात सुबह 8 बजे नाश्ता किया फिर दोपहर को 2-3 बजे तक लंच का ठिकाना नहीं है, सो ऑब्वियसली आई गोइंग टू फील यू नो सम काइंड ऑफ फूड क्रेविंग. यू डोंट अंडरस्टैंड इट इज प्योर हंगर या फिर किसी और चीज की वजह से आपको वो हंगरी फील हो रहा है. एंड अल्टीमेटली सम काइंड ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकता है, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स है या फिर दूसरे ऐसे मिनरल्स है हमारे बॉडी में जो रिक्वायर्ड होते हैं हमारे फूड डाइजेशन एंड फूड अब्सॉर्प्शन के लिए. तो हम खाना तो खा लेते हैं बट जस्ट बिकॉज ये सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है डेफिशिएंट है वो खाना अब्सॉर्ब नहीं कर पाते बॉडी में, तो फायदा क्या है वो खाने का, राइट? कोई फायदा नहीं है. यू आर गोइंग टू रिमूव दैट फूड आउट आउट फ्रॉम योर बॉडी विद इन फ्यू आवर्स बिकॉज वो अब्सॉर्ब नहीं हुआ है अच्छे से. तो अगर हमें हाई कार्ब्स या फिर कुछ स्वीट खाने की क्रेविंग हो रही, तो यूजुअली देखा गया रिसर्च स्टडी में कि इट हैज सम अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप विद सेरेटोनिन का डेफिशिएंसी है, एंडोर्फिन का डेफिशिएंसी, ये सारे फील गुड फैक्टर्स होते हैं जिसको हॉर्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं हमारे बॉडी के लिए, विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटल हेल्थ. बट उनकी डेफिशिएंसी की वजह से वी आर क्रेविंग हाई कार्ब्स फूड, या फिर मैग्नीशियम का अगर डेफिशिएंसी है वी काइंड ऑफ यू नो क्रेव चॉकलेट्स. फिर अगर ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है देन वी काइंड ऑफ क्रेव फॉर सम काइंड ऑफ फैटी फूड, सो फ्राइड हो गया, चिप्स हो गया, फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, ये सब चीज को हमें क्रेविंग होता है. और अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो हमें सोडा, जैसे कि आजकल जितने भी कोला ड्रिंक्स मिलते हैं, थम्स अप, स्प्राइट, व्हाटएवर, या फिर मैगडी में जाके कोक पी के आते हैं, बहुत ट्रेंडिंग है यंगस्टर्स में आजकल ये. व्हाई आर वी सीइंग दिस इज बिकॉज सोडा के वजह से क्या होता है, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बोन समवेयर, जहां से वो कैल्शियम लीच करेगा और आपका ब्लड कैल्शियम लेवल को राइज करेगा. बॉडी डजंट केयर आपके बोन्स में कितना कैल्शियम है, आपके ब्लड में जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम रहना चाहिए अगर वो नहीं मेंटेन हो पा रहा है, देन यू आर गोइंग टू क्रेव सम अमाउंट ऑफ सोडा विच इज गोइंग टू पुश द प्रोसेस ऑफ डीकैल्सिफिकेशन ऑफ द बोन. ओके, सो ऑल दीज काइंड ऑफ क्रेविंग सम आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स कि आपके बॉडी में अंदर क्या चल रहा है. ओके, टॉकिंग अबाउट नाउ इमोशनल ईटिंग, क्या होता है वेन वी ईट नॉट टू सूद आर फिजिकल हंगर बट टू सूद आर इमोशनल हंगर. ये अगर जब हम इमोशनली कहीं पे डिप्राइव्ड है या प्रॉब्लम है हमारे मन में कुछ, तो अगर हम जो खाना खाते हैं इसको हम इमोशनल ईटिंग कहते हैं. और यूजुअली क्या होता है, खाना खाने के बाद हमें एक डोपामिन हिट मिलता है. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट डोपामिन हिट हमें अच्छा फील होता है, बस खत्म, हमें और क्या चाहिए, राइट? वी वर फीलिंग लो और हमने खाना खाया, हमें अच्छा फील हो गया, इसलिए ये हम पैटर्न बना लेते हैं, ये हम कनेक्शन बना लेते हैं. And this is how we और ये unknowingly, subconsciously हमारा एक ये रूटीन बन जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है खाना खा लेते हैं. ओके, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ फूड. सो ये हम एक ट्रैप में शामिल हो रहे हैं जहाँ पे कुछ चीज ऐसी होती है कि आपको अपसेट कर रही है, उसके वजह से आपको एक अर्ज फील होता है खाना खाने का, बिकॉज ऑफ विच आप शायद एक्स्ट्रा खाना खा लें एंड आपको गिल्टी भी फील हो. एंड अगेन वो जो गिल्ट का फीलिंग है खाना खाने के बाद, वो अगेन आपको कहीं ना कहीं अपसेट करता है, वो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलते रहता है. फॉर एग्जाम्पल, वीकेंड्स आते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, वी इंडल्ज इन सम काइंड ऑफ हैवी शुगरी फ्राइड फूड. ओके, उसके वजह से बाद में संडे को या मंडे को नेक्स्ट दिन बहुत ही गिल्टी फील होता है, अरे ऐसा नहीं खाना चाहिए था. एंड बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूअस गिल्ट इन योर माइंड, यू टेंड टू फील मोर हंग्री. ओके, समवेयर यू डोंट नो एक्चुअली आर फीलिंग हंग्री और नॉट, बट बिकॉज ऑफ दैट इमोशन, दैट गिल्ट, आपको आप ये कंटिन्यूस साइकिल में फंसे जा रहे हैं. ओके, सो अभी एग्जैक्टली हमें ये देखना है कि जो ये हमारे जो इमोशनल जो है वो हमारे एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं बॉडी में, कहीं कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ये छुपाए बैठे हैं हम अपने अंदर, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है. बट इंस्टेड ऑफ दैट वॉट वी डू इज वी जस्ट ईट इट आउट. ओके, बिकॉज वी आर सो बिजी डूइंग सम अदर वर्क, वी डोंट हैव टाइम टू अड्रेस आर इमोशंस, we don't have time to address our feelings, and because of which we just feel ki chalo thoda khana kha lete hain, and then we have to go to some work, complete particular project or whatever. So it's like if I have to draw an analogy between a child's behavior, agar bachpan mein aapne dekha hoga koi child tantrum throw kar raha hai, okay,
So sometimes what happens is first child is going to call you out, call the parents, okay? अगर पर वो parents busy है, they are not paying attention to the child, उसको गुस्सा आएगा of course, क्योंकि मैं इतने टाइम से अपने parents को बुला रहा हूँ because I need something. But parents are busy, वो हमें attention नहीं दे पा रहे. So what they do is they will throw some amount of tantrum, जिसके वजह से parents को ना चाहते हुए भी बच्चे को attention देना पड़ेगा. So this is how the child has made the connection ki ha agar I need my parents attention I have to throw tantrum. So later if this is repetitive behavior, child is afterwards not going to call the parents, directly wo tantrum throw karega, right? Similarly hamari body ko agar kuch chahiye, first it is going to give you some indication, but agar aapne wo ignore kiya because aap busy hai, specifically ye working logo ke sath zyada hota hai कि आप बिजी है, आपको पास टाइम नहीं है कि आपके अंदर क्या चल रहा है जानने के लिए, देन योर बॉडी इज गोइंग टू स्टार्ट थ्रोइंग सम अमाउंट ऑफ सच रिक्वायरमेंट जो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा. एंड दैट टाइम यू अंडरस्टैंड कि हाँ, अगर इसको मैं खाना दे देता हूँ तो बॉडी शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है. एंड दैट इज हाउ यू यू नो बिल्ड दिस रिलेशनशिप विद द फूड. That you need to supposed to address the emotion, but you don't do that and you eat the food, और वो शांत हो जाता है. Instead, इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? Take a pause. It doesn't have to be कि हमें vacation पे जाना ही जरूरी है. No, it can be just 1 minute का pause also and talk to yourself. What do you exactly need? Okay, so the conversation could look like this. Okay, अगर मुझे कुछ chips खाने की craving हो रही है, so what I'll ask myself is, if I would not be eating this packet of chips right now, what would I be feeling? मुझे कैसा फील होगा अगर मैं ये चिप्स नहीं खाऊंगी तो मैं शायद बोलूंगी कि see I'm tired and really need this packet of chips right now. I'm exhausted. मैं ये 5 घंटे से काम कर रही हूँ but मुझे कुछ outcome नहीं मिल रहा है. So I'm done now. I'm drained totally. या फिर मुझे इस environment में, मुझे इस office में बहुत unwanted feel हो रहा है because my colleagues are not appreciating my efforts. Okay, या फिर my boss is not appreciating my efforts, या फिर मुझे किसी चीज का डर लग रहा है और शायद वो chips का जो crunch हम सुनते हैं वो खाने से मुझे काफी अच्छा feel होता है. So this is how you find what is the underlying emotion. Is it exhaustion? It is fearfulness? Is it some scary you know emotion sitting behind? Or you are just bored and that is why you want to eat a packet of chips. What can I do if I'm not eating this packet of chips or piece of chocolate? What would be the alternative? मैं और क्या कर सकते हो अगर मेरे पास ये अगर अभी अवेलेबल नहीं होता तो शायद आपके अंदर से आंसर आएगा कि आई वॉन्ट टू टॉक टू समवन. ओके, आजकल हम इतने बिजी हो चुके हैं कि वी डोंट हैव टाइम टू टॉक टू एनी वन. कोई एक पर्टिकुलर इंसान हो सकता है या फिर 5 different इंसानों से भी आप बात कर सकते हो, बट जस्ट टॉक इट आउट. ओके, या फिर आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, टेक अ पीरियडिक ब्रेक इन योर लाइफ सो दैट यू आर नॉट बोर्ड, या फिर यू आर नॉट एग्जॉस्टेड कम्प्लीटली, या फिर आई वॉन्ट सम सपोर्ट. सी आई एम डूइंग दिस टास्क, आई डोंट नो इफ दिस इज आई एम गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक और नो, सो आई वॉन्ट समवन टू सपोर्ट मी, सपोर्ट माई डिसीजन. तो ये सारी चीज आपको डायरेक्ट एक बार में नहीं आएगी, चलो ठीक है मैं अभी अपने से बात करने बैठती हूँ और मेरे को आंसर आएंगे, ऐसा नहीं होता है. यू नीड टू कंटिन्यूसली डू दिस थिंग बिकॉज इतने सालों का जो आपने ये रिलेशनशिप बना के रखा है, कुछ हुआ खाना खा लो खत्म करो, ये रिलेशनशिप ब्रेक करने के लिए यू विल नीड अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट, कंसिस्टेंसी, एंड सेकेंडली एक फेथ होना चाहिए कि नहीं आंसर इज गोइंग टू कम फ्रॉम यू नो विद इन मी ओनली, बट अभी नहीं आएगा शायद, आई नीड टू आस्क माई सेल्फ रिपीटेटिव क्वेश्चंस. सो इसके लिए अगर आपको चाहिए तो यू कैन ऑल्सो ऑलवेज टेक अ काउंसलर्स हेल्प, बट अगर माइनर लेवल पे तो यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई फॉर योर सेल्फ एंड वर्क ऑन योर सेल्फ एज वेल. सो वॉट वी आर राइट नाउ डूइंग इज इग्नोरिंग द इमोशन, ईटिंग द फूड एंड फीलिंग गुड. What you are supposed to do is feel what we are actually feeling, don't eat and be kind to ourselves. कि कभी कभी ना हम अपने आप को जज कर लेते कि मैं ऐसा कैसे हूँ यार, सब कुछ भी होता है मुझे, खाना मुझे भूख लग जाती है, मुझे खाना होता है. नो, डोंट जज योर सेल्फ, डोंट पॉइंट आउट ऑन योर सेल्फ, बट बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी क्यूरियस कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ. आइडेंटिफाई दैट वाई एंड वॉट आई एम डूइंग एंड यू नो वॉट कैन आई डू बेटर rather than eating some amount of food. So this is how we need to identify the emotion so that we can stop emotional eating behavior. Okay, we still have 5 minutes. So I'll just start with the solution right now and then second part hum continue karenge second part mein dusre jo solutions hai uske bare mein.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीकनेक्ट विद आवर सेल्फ. ओके, भी रीकनेक्शन कैसे हो सकता है? जैसे मैंने बताया, यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ. कि हम लोगों से बात करते हैं और इनकेस सब इतना बिजी है लाइफ में, इफ इनकेस वी डोंट हैव एनी वन टू टॉक टू, वी डोंट इवन टॉक टू आर सेल्फ. हम क्या करते हैं, फोन लेके बैठ जाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रोल करते हैं, या फिर सो जाते हैं, मूवीज देख लेते हैं, सम सीरीज देख लेते हैं, बट वी डोंट टॉक टू आर सेल्फ. सो वी नीड टू यू नो मेक दिस रूटीन कि कुछ ऐसे आधा घंटा दिन भर में या 10-15 मिनट दिन भर में आई एम गोइंग टू टॉक टू माई सेल्फ. सो वॉट यू कैन डू इज सिट इन सम साइलेंट प्लेस, सम योर पर्सनल स्पेस जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं, आपका मोबाइल फोन या फिर कुछ भी आपको ऐसी चीज नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करे. सिट इन सम साइलेंस जोन या फिर टॉक टू साइलेंस जिसको बोलते हैं. ओके, हियर द साउंड ऑफ साइलेंस. जस्ट बैठ के कुछ भी नहीं करना, यू डोंट हैव टू टॉक टू योर सेल्फ. इफ यू आर लॉकिंग योर सेल्फ इन अ रूम, आइडेंटिफाई, अभी यहाँ पे पंखे का आवाज आ रहा है, शायद बैकग्राउंड में से बस का आवाज आ रहा है, मे बी यहाँ पे एक बॉटल पड़ी है, यहाँ पे चेयर पड़ी है. ट्राई एंड ऑब्जर्व अदर थिंग्स. यू विल, वंस यू ऑब्जर्व योर आउटसाइड एनवायरमेंट, यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग वॉट इज हैपनिंग इन साइड यू ऑल्सो. बेस्ट वे इज फॉर बिकमिंग सेल्फ अवेयरनेस टू नो वॉट यू आर डूइंग एंड वाई यू आर डूइंग. तो ये जानने की कोशिश करो कि, या फिर वॉट यू कैन डू इज यू कैन रिकॉल योर डे, आज सुबह से दिन भर में क्या हुआ. ओके, समथिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको पानी का ग्लास दिया, या किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया जो आपको बैड फील हुआ, देन वॉट डिड यू डू, वॉट वॉज योर रिएक्शन. ट्राई एंड फाइंड आउट एवरीथिंग, रिकॉल योर डे. इससे आप सेल्फ अवेयर बनना शुरू हो जाओगे. उसके अलावा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका इमोशन क्या था एक्चुअल में. लाइक किसी ने आपको शायद इग्नोर किया हो, आपको गुस्सा आया हो, बट गुस्सा वॉज योर आउटकम. ओके, वॉट मेड यू फील दैट एंगर इज द फीलिंग ऑफ दैट इग्नोरेंस या फिर अनवॉन्टेडनेस जो बोलते हैं. तो फाइंड आउट, इतने डीपर लेवल तक जाना है हमें कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है, देन वी नो हाउ टू हैंडल इट बेटर. ओके, आइडेंटिफाई योर इमोशन दैट वे, टेक अ डीप ब्रेथ. ओके, यू हैव टू, नो मैटर आपको कोई इश्यू लाइफ में है या नहीं है, डीप ब्रीदिंग इज समथिंग दैट एवरीवन हैज टू प्रैक्टिस. ओके, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू डिफरेंशिएट व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज परसीव्ड. परसीव्ड मतलब वो क्या हो जाता है, समटाइम्स वी आर सो एंग्शियस अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. समटाइम्स यू नो वी जस्ट गो विद द फ्लो. कल क्या होने वाला है, एक साल बाद क्या होगा, व्हाट आई एम डूइंग विद माय लाइफ. कहीं पे इतना साल मैंने जी लिया, मैं कहीं पहुंचा नहीं हूं, मैंने ऐसा कुछ बड़ा तीर नहीं मारा है, वट एवर यू नो. वंस वी आर इन दिस फ्लो, वी डोंट नो वॉट वी आर थिंकिंग ऑफ. सो द डीप ब्रीदिंग इज गोइंग टू हेल्प यू. ओके, स्टॉप, यू आर, वॉट एवर यू आर टॉकिंग राइट नाउ इज अबाउट फ्यूचर, नॉट राइट नाउ. ओके, या फिर एंड आपको वो समझाएगा कि एक्चुअल में रियालिटी में आपने क्या अचीव किया है, और जो भी आप स्ट्रेस आउट कर रहे हो लाइफ में, दैट इज गोइंग टू help you differentiate. So take deep breathing. The box breathing method sabse easy hai. 4 second inhalation, holding the breath, exhalation and again holding the breath. Isko box breathing method bolte hai, jahan pe 4 second each we are doing this kind of, you know, deep breathing session. Ye 5 minute ka bhi ho sakta hai, 15 minute ka ho sakta hai, aur 5 cycle ka bhi ho sakta hai. Only 5 cycle you do of deep breathing, but you start doing it, you will find kitna clarity aapko मिल रहा है. ओके, फॉरगिव योरसेल्फ. सो जैसे मैंने आपको बताया कि समटाइम्स वी टॉक अबाउट, आई मीन वी थिंक अबाउट फ्यूचर, एंग्जाइटी हो जाती है, पैनिक अटैक आने लगते हैं, बट समटाइम्स इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू लुक एट योरसेल्फ ऑफ द इन द पास्ट, कि अरे मुझे वो मिस्टेक नहीं करना चाहिए था, हाउ डम आई एम, हाउ कुड आई मेक दैट सच अमाउंट ऑफ मिस्टेक, या फिर सच काइंड ऑफ मिस्टेक, या फिर कुछ भी हो सकता है जिसमें हम अपने आप को कहीं ना कहीं वी आर जस्ट ईटिंग आवर सेल्फ अप बिकॉज समथिंग रॉन्ग हैपेंड, या फिर कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक था. सो व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू हैव टू गो अहेड एंड यू हैव टू चेंज योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यू हैव टू फॉरगिव योर सेल्फ, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक एंड डोंट रिपीट इट अगेन. सो ऑफकोर्स जब तक आप अपने आप को माफ नहीं करोगे, आप आगे कैसे बढ़ना है आपको समझ में नहीं आएगा. एंड लास्ट पॉइंट ऑन दिस स्लाइड इज यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. जैसे मैंने बताया आपको, इतने सालों से आपका ये पैटर्न है, इट्स नॉट इजी टू ब्रेक इट वेरी इजीली, बट आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, देन कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा
कि शायद ये टेक्निक मेरे लिए वर्क कर रही है, ये टेक्निक मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है, या फिर आई नीड टू प्रैक्टिस इट मोर सो दैट आई कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम सेल्फ अवेयर नहीं है देन इमोशनल ईटिंग इज द ईजिएस्ट वे आउट टू फील गुड. टॉकिंग अबाउट सम अदर सोल्यूशंस, यू हैव टू मेंटेन एन इमोशन डायरी और इमोशन जर्नल. अभी ये क्या हो सकता है, एक कोई भी एक जो कभी कभी लोग ऐसा डायरी लिखना शुरू कर देते हैं, स्पेसिफिकली मेरे साथ बहुत हुआ है, 1st January मे बी टिल 7th-8th January आई राइट माई डायरी एंड देन उसके बाद वो डायरी कहीं ऐसे ही पड़ी रहती है एंड देन वी जस्ट यूज इट एज अ रफ बुक इन कमिंग ईयर्स. ओके, सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टूडे, यू डोंट हैव टू वेट फॉर न्यू ईयर. टेक एनी बुक एनी पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग, यू डोंट हैव टू इवन सेव इट समवेयर. एक बार लिख के आइडेंटिफाई किया एंड देन इवन इफ यू वांट टू यू नो टेयर दैट पेपर एंड थ्रो अवे, इट्स ओके. सो व्हाट यू हैव टू डू इज मेंटेन एन इमोशन डायरी. सो जस्ट एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट पार्ट, रिकॉल योर डे, आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी इंसिडेंट दैट हैपेंड विथ यू, हाउ दैट मेड यू फील. आपको अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, क्यों बुरा लगा, या फिर अगर अच्छा भी लगा तो क्या अच्छा लगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि किसी ने आपको पानी का ग्लास दिया, सो यू फेल्ट रिस्पेक्टेड, यू फेल्ट केयर्ड फॉर. ओके, या ये आपका अच्छे इमोशंस है. सो यू दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, जिस चीज से आपको अच्छा लग रहा है. एंड इनकेस अगर कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगी तो वो इमोशंस भी आप एड्रेस कीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम यू कैन डील इट विथ बेटर, यू नो, सम बेटर बिहेवियर. या फिर अगर आपको कम्युनिकेट करना है सामने वाले पर्सन के साथ कि आपने ऐसा मेरे साथ बिहेव किया, आई डिडंट फील गुड, सो वी कैन नेक्स्ट टाइम जस्ट मेक श्योर दैट इंस्टेड ऑफ सेइंग मी यू नो दीस पर्टिकुलर थिंग्स, आप मेरे से इस तरीके से बात करिए. सो वी नीड टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर इमोशन सो दैट हम हमारी एक्सपेक्टेशन लोगों को बता सके क्या है. फाइंड द वेज टू कोप. ओके, जैसे मैंने आपको बताया लोगों से बात करिए, सबसे पहला बहुत ही ईजी वे है. स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग सकता है टू गैदर दैट करेज टू हाउ कैन वी टॉक इट आउट, बट वंस वी टॉक इट आउट वी फील वेरी गुड. एंड इफ सम टॉपिक्स आर वेरी पर्सनल, यू नो यू डोंट वॉन्ट टू शेयर इट विद एनी वन, टेक अ पेपर, राइट ऑन प्रोज एंड कॉन्स. कि अगर स्पेसिफिकली ये सब जब हम फ्यूचर कोई डिसीजन में अगर इफ यू आर कंफ्यूज एंड वी आर एंग्शियस अबाउट समथिंग, सो वॉट वी कैन डू इज हम एक बुक में लिख सकते हैं कि अगर ऐसा मैंने किया तो प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है. इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू कि अरे यार मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, चल एक कप चाय पी लेता हूँ, देन आई विल अंडरस्टैंड कि क्या करना है आगे. इंस्टेड ऑफ टेकिंग हेल्प ऑफ फूड, वी आर टेकिंग नाउ हेल्प ऑफ सम अदर थिंग्स विच इज गोइंग टू परमानेंटली सॉल्व द प्रॉब्लम, नॉट गिव जस्ट टेम्पररी सोल्यूशन बट परमानेंटली सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, मूव योर बॉडी, एक्सरसाइज आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. सो बी इट सम फिजिकल प्रॉब्लम, बी इट इमोशनल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है, बॉडी का मूवमेंट बहुत जरूरी है. और विद द हेल्प यू नो टेक्नोलॉजी ने इतना बढ़ गया है कि हमारी जो फिजिकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जो काफी मतलब रिस्ट्रिक्टिव हो चुकी है, वी आर सिटिंग ऑन सोफा चेयर टेबल ऑलवेज, हम सिर्फ बैठे हुए ही रहते हैं. मे बी समटाइम्स वी हैव टू ट्रैवल, वी आर जस्ट यू नो मूविंग प्लेस टू प्लेस, अदरवाइज हमारी पूरी लाइफ या तो बैठने में या तो लेटने में, इतने में ही चली जाती है. सो वी हैव टू मेक श्योर दिन का 30 to 45 minutes वी आर गोइंग टू मूव आवर बॉडी. इट कुड बी वॉकिंग, इट कुड बी योगा, जो आपको पसंद हो आप करिए, बट प्लीज अपनी बॉडी को एक्सरसाइज दीजिए, इसको वो जरूरत है बॉडी को. अदरवाइज एंड एक्सरसाइज से क्या होता है ना, योर फील गुड हॉर्मोन्स, ऑल दोज हैप्पी फैक्टर्स जो होते हैं बॉडी में रिलीज होते हैं, सो उससे भी इमोशंस काफी कंट्रोल में रहते हैं, काफी बैलेंस में रहते हैं, एंड वी डोंट एंड अप ईटिंग हाउएवर आर माइंड इज आस्किंग फॉर, नॉट द बॉडी बट द माइंड इज आस्किंग फॉर. ओके, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. अगर फिर इतना सब करने के बाद भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, देन व्हेनेवर यू सिट टू ईट, आपकी जो बड़ी थाली है खाना खाने के लिए उससे बेटर है आप छोटी सी प्लेट लीजिए. ओके, एंड यूज द सेम अमाउंट ऑफ फूड इन ईच एंड एवरी यू नो जो भी आपका दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आप खा रहे हैं उतना ही अमाउंट लीजिए, बट थाली का साइज थोड़ा छोटा कर दीजिए. इससे क्या होगा, एक मेंटल इमेज बनेगा कि ओ इतनी छोटी थाली में इतना सारा मैं खा रहा हूँ, दैट मीन्स वॉट एवर आई एम ईटिंग राइट नाउ इज सफिशियंट फॉर मी, आई शुडंट फील हंग्री लेटर ऑन. तो ये कहीं ना कहीं हम मेंटली अपने आप को समझा रहे हैं दैट यू हैव ऑलरेडी हैड इनफ.
ओके, यूज अ स्मॉल प्लेट, ऑलवेज सिट एंड ईट. स्पेसिफिकली हम जब रैंडम ईटिंग करते हैं, जब कोई इंटेंशन नहीं होता है खाने का बट रैंडम ईटिंग करता है, तो चॉकलेट पड़ी है कहीं पे, हमने ऐसे ही खा लिया. सो वी आर इवन स्टैंडिंग, ओके, स्टैंडिंग एंड ईटिंग, या फिर कुछ काम करते करते खा रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. वी हैव टू ऑलवेज प्रॉपरली हैव अ डिफरेंट रूम फॉर यू नो सिट ईटिंग. सो जैसे कि हमारा बेडरूम सिर्फ सोने के लिए होता है, या फिर हमारा सिर्फ जैसे जो ऑफिस है सिर्फ काम करने के लिए होता है, वैसे ही खाने के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए. डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा रहे तो सिर्फ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना, देन यू डोंट हैव टू सिट ऑन सोफा एंड ईट, या फिर बेड पे कुछ लेके गए काम करते करते खा रहे. ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए. योर टीवी, मोबाइल फोन, वट एवर अदर म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू व्हाइल ईटिंग, ये सारी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है. तो डिस्ट्रैक्ट कर रही है मतलब क्या, आपके माइंड को पता नहीं चल रहा है कि आप एक्चुअली खाना खा रहे, बिकॉज आपका माइंड कहीं और है. सपोज यू आर टॉकिंग ऑन कॉल विद समवन व्हेन यू आर ईटिंग, तो योर बॉडी हैड इनफ फूड, पर आपके माइंड को पता नहीं चला कि बिकॉज माइंड जो इंसान फोन पे बोल रहा था उसके ऊपर फोकस कर रहा था. सो यू डोंट अंडरस्टैंड दैट यू हैव हैड इनफ, एंड आफ्टर द फोन इज ओवर यू माइट फील यू नो अरे कुछ खाया नहीं है, शायद कम खाया है, मुझे और भूख लगी है, या फिर ये खा लेता हूँ, ऐसी सारी फीलिंग्स आती रहती है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर ईटिंग, इट हैज टू बी प्रॉपर माइंडफुल ईटिंग इन वन पोजिशन एंड विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, सो दैट वी आर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद द फूड. अगर आप कोई दूसरे रिलेशनशिप की बात करें, जैसे कि मे बी मदर डॉटर रिलेशन है, या फिर फादर सन रिलेशन है, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, इफ यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशन वी हैव टू कम्युनिकेट, वी हैव टू टॉक इट आउट, राइट. तो अगर सपोज आप अपने वाइफ के साथ बात कर रहे हो और फोन देख के आप स्क्रोल कर रहे हो, तो that conversation is not complete. Similarly, if you are not focusing on food while eating and focusing on some other thing, that action of eating is not complete, and because of which you don't feel satisfied with the amount of food that you have eaten. Next very important point is eat a well balanced and a diet which is on time. यहाँ पे दो different points है जो मैंने एक में club किया हुआ है. Well balanced क्यों? क्योंकि अगर आपको भूख लगा है, शायद आपने चार रोटी और थोड़ी सी सब्जी खा ली, ओके, फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपका पेट शायद भर जाए. हाफ एन आवर और वन आवर के बाद यू माइट फील अगेन हंग्री, एंड देन यू विल थिंक अरे एक घंटे पहले तो चार रोटी खाई थी, फिर से भूख कैसे लग गई. बट योर मील वॉज लैकिंग फाइबर, योर मील वॉज लैकिंग प्रोटीन. तो बट ऑब्वियस है आपका पेट अच्छे से भरा नहीं है, तो यू आर गोइंग टू फील यू नो हंग्री अगेन. बट समटाइम्स वॉट हैपन्स इज ये हमारा रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, तो वी ट्राई टू फाइंड फ्लॉज इन आवरसेल्फ्स. या मुझे हर एक घंटे में भूख लगती है, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है, आई नीड टू विजिट डॉक्टर. नो, यू जस्ट नीड टू फिक्स योर डाइट. ऑन टाइम इसलिए बोल रही हूँ कि हमारी बॉडी का एक क्लॉक होता है, द बॉडी नीड्स फूड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम. अगर आपका लंच टाइम 1 o'clock को है, देन इफ इट इज 1:30, 2 o'clock and you have not eaten food, your body start going to produce some cues. आपको headache होना शुरू हो जाएगा, आपके body में acid production होना शुरू हो जाएगा, because you are somewhere thinking about food, and just because of that thinking bhi aapka body mein acid production shuru ho jata hai. That is why always fix a time, at least aapka jo breakfast, lunch, dinner ka time hai, utna to aap fix karke hi rakhiye, aur ek acha balanced meal khaye jisme proper amount of fiber hai, proper amount of protein hai, okay, carbs bhi hona chahiye thoda bahut, so that wahi aapko energy de raha hai, but it has to be well balanced. That's what I want to say. Eat when you are physically hungry and not emotionally hungry, okay? So, जैसे और ये आपको कब पता चलेगा कि एक्चुअल में मुझे भूख लगी है, आई एम जस्ट टेंस राइट नाउ, दैट इज आई वॉन्ट टू ईट. यू हैव टू डू ऑल अदर सोल्यूशन दैट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड एंड इन दिस स्लाइड. राइटिंग द बुक हो गया, या फिर आइडेंटिफाइंग, टॉकिंग टू योर सेल्फ हो गया, इन सब से यू विल अंडरस्टैंड कि ये मेरा जो गुस्सा है या फिर मेरा जो स्ट्रेस है वो खाना मांग रहा है, या सच में पेट में भूख पड़ी है. ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. और एक फूड जर्नल मेंटेन करना शुरू करिए कि आपने कितने बजे क्या खाया, कितनी क्वांटिटी में खाया, और उसके साथ आपका वो खाने का ट्रिगर क्या था, इमोशन क्या था, क्या आपको डर था किसी चीज का, क्या आपको किसी चीज का स्ट्रेस था, टेंशन था. जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें मैंने लिखा है कि 2:30 बजे बर्गर खाने का मन हुआ है. व्हाई, व्हाट इज द रीजन, आई वाज टेंस्ड. व्हाई आई वाज टेंस्ड, बिकॉज आई नीड टू सबमिट सम प्रोजेक्ट, डेडलाइन आ चुकी है, आधा ही काम हुआ, आधा काम बाकी है. सो आई डोंट नो नाउ व्हाट टू डू, आई एम एंग्शियस, विल आई बी एबल टू कंप्लीट और नो, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेंशन आई फील लाइक ईटिंग सम बर्गर, बिकॉज दैट इज माई कम्फर्ट फूड.
तो ये कंफर्ट फूड का कॉन्सेप्ट ही यहाँ से आया है कि टेंशन, जो खाना टेंशन कम करता है वो हमें कंफर्टेबल बना रहा है. दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज आवर कंफर्ट फूड, जो यूजुअली अनहेल्दी होते हैं. मतलब अगर आपने देखा रहेगा डाइनिंग टेबल पे फ्रूट्स पड़े हैं, कुछ मिठाइयां पड़ी है, चॉकलेट्स पड़े हैं, तो पहले हाथ चॉकलेट और मिठाई पे जाएगा, फिर फ्रूट पे जाएगा. हालांकि तीनों चीजें मीठी है, तीनों चीजें खाने की ही है, बट स्टिल आवर फर्स्ट हैंड विल गो ऑन द चॉकलेट और ऑन सम स्वीट, बट फ्रूट पे हाथ बाद में जाएगा. सो ये हो गया इमोशनल ईटिंग के बारे में बात. नाउ द लास्ट टॉपिक दैट आई वांट टू कवर इज, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टेंशन में बिल्कुल खाना नहीं खाते. मतलब स्पेसिफिकली व्हेन आई वाज इन 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम के टाइम पे बहुत स्ट्रेस होता है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग माय बैच. ऑफ कोर्स हर बैच में होता है ये चीज. वन ग्रुप ऑफ पीपल विल गेन वेट अलॉट एंड अदर ग्रुप ऑफ पीपल विल लूज वेट. ओके, व्हाई? बिकॉज उन लोग को भूख ही नहीं लगती. एग्जाम का टेंशन है, पढ़ाई करनी है, कैसे परफॉर्म करेंगे, इन सब चीज की यू नो एंग्जाइटी है. एंड बिकॉज ऑफ विच दे डोंट फील हंग्री एट ऑल. सो दिस इज लाइक एक्सट्रीम अदर एंड ऑफ द सिचुएशन वेर दे डोंट ईट इवन नॉर्मल फूड. इमोशनल ईटिंग तो दूर की बात है, नॉर्मल खाना भी टाइम पे नहीं खाता है. तो ये एक एक फिनोमिना है जिसको बोलते हैं हाई कॉर्टिसोल इफेक्ट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम एंग्जाइटी. अब उसमें होता क्या है, स्ट्रेस है बॉडी में, ऑफकोर्स इट इज मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, वॉट एवर इट कुड बी. ओके, बिकॉज ऑफ विच द बॉडी इज प्रोड्यूसिंग हाई कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल मतलब एक स्ट्रेस हॉर्मोन का नाम है वो, जिसकी वजह से बॉडी में स्टमक में बहुत ही एसिड प्रोड्यूस होता है. और वो जो एसिड है बहुत ही जल्दी जल्दी आपका जो खाना आपने खाया है वो डाइजेस्ट कर देता है. बिकॉज अगर आपको पता होगा, स्ट्रेस के टाइम पे एक्सट्रीमिटीज पे ब्लड सप्लाई करना बहुत जरूरी है, जैसे कि हाथ में पैर में सप्लाई करना बहुत जरूरी है. सो वॉट योर बॉडी डज इज फटाफट एक्स्ट्रा स्टमक एसिड प्रोड्यूस करके इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट ऑल द फूड सो दैट द डाइजेस्टिव सिस्टम डजंट नीड एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई. एंड हम वो एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई जो है पेरिफेरीज को दे सके, हाथ और पैर को दे सके, सो दैट हम फटाफट एग्जाम में लिख सके. या फिर इट इज जस्ट एन आउटकम ऑफ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स विच इज ऑफ यू नो अ रेगुलर फिनोमिना व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड आउट. एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारी बॉडी की एपेटाइट कम हो जाती है, हमें भूख नहीं लगती. ओके, या फिर किसी किसी लोगों को नौजिया फील होता है, लाइक वॉमिटिंग सेंसेशन होता है कि खाना देख भी लेंगे तो भी उनको उल्टी आ जाएगी क्योंकि उनका अभी दिमाग में स्ट्रेस है एंड दे कांट इवन थिंक अबाउट फूड. ओके, मसल टेंस होता है. इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो बॉडी जो जी आई ट्रैक है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसकी पेरिस्टाइसिस मूवमेंट कम हो जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. हम टेंशन में रहते हैं. सो जब हम खाना खाएंगे द फूड हैज टू पास टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट? अगर हमने मुंह से खाना खाया तो ऑफकोर्स वो ईसोफेगस से जाके स्टमक में जाएगा, स्टमक में थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होकर इट विल गो टू इंटेस्टाइन. तो वो जो पेरिस्टाइसिस मूवमेंट है इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द मसल. Of course, the intestine is also a muscle kind of, right, in your body. So, इसके वजह से भी लोग खाना नहीं खाते हैं. And last point is, एक stomach में kind of knot जैसा feel होता है, या फिर हम usually बोलते हैं कि पेट में आटी पड़ रही है, उसके वजह से मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है. So, ये एक extreme, बहुत ही कम लोग होते हैं. Like, this could be, अगर सारे stressed out जो people होते हैं, उसमें से maybe this could be some 20-25%. I don't know the exact number. But major people are, you know, falling in the category of emotional eaters. और some point in life हमने सबने कहीं ना कहीं emotional eating किया हुआ है, जिसकी वजह से आगे फिर बहुत problems आती है, weight बढ़ जाता है. okay, we don't have control over anything in our life. okay, हम situations के साथ flow हो जाते हैं. we don't control the situation but situations control us. similarly we don't control our mind but the mind controls us, and because of that we tend to eat too much, because of that we gain too much of weight. ओके, एंड उसके साथ साथ अगर वेट गेन नहीं भी हो रहा है, सपोज किसी किसी का एंग्जाइटी में क्या होता है, खाना तो खा लेते हैं बट वो अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है. इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या फिर बॉडी को इतना एनर्जी नहीं है, या फिर सफिशियंट उसके पास रिसोर्सेज नहीं है कि सब खाना अब्सॉर्ब कर सके. तो दे माइट नॉट गेट फील यू नो फैट, या फिर ओबीज नहीं बनते हैं, बट दे माइट गेट अदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द बॉडी. इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है जिसके वजह से डायबिटीज है, और ये सारी प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में आती रहती है. एनी वे स्ट्रेस इज रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स, एंड बिकॉज ऑफ इमोशनल ईटिंग इट्स लाइक नो एडिंग वन मोर फैक्टर. ये सारी चीज हमें जितना लाइफ में हम डीले कर सकते उसके जगह पे वो जल्दी होगा बिकॉज ऑफ इमोशनल ईटिंग एंड स्ट्रेस. सो वॉट यू कैन डू फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल इज, जिसको हाई कॉर्टिसोल लेवल की वजह से बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है,
आपका स्ट्रेसर क्या है वो आइडेंटिफाई करो. ओके, इफ इट इज जस्ट अक्यूट फिनोमिना, मतलब कि अगर वो सिर्फ कुछ देर के लिए, एग्जाम पता है आपके 4-5 दिन में चले जाएंगे तो सिर्फ उतने टाइम के लिए, देन इट्स ओके. बट अगर आपका बिहेवियर, आपका नेचर ही ऐसा है कि आपको हर छोटी चीज में टेंशन आती है एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती, देन ऑफकोर्स इट इज ट्रबलसम. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई अ स्ट्रेसर एंड वर्क ऑन इट. जैसे मैंने प्रीवियस सोल्यूशन में बताया था, गेट इनफ स्लीप, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज बिकॉज या तो लैक ऑफ स्लीप की वजह से हमें टेंशन स्ट्रेस ज्यादा रहता है बॉडी में, या फिर एक भूख होती है शायद बॉडी में, उसकी वजह से नींद नहीं आती. ये दोनों फिनोमिना हो सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर यू नो काइंड ऑफ पीपल. एंड सो ये लोगों को क्या है ना, एक ईटिंग स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए, जैसे कि एक टाइम पे खाना एंड कितनी अमाउंट में खाना है वो एक फिक्स होना चाहिए. नो मैटर इफ दे आर स्ट्रेस्ड आउट और नो, इफ दे नो दैट दे टेंड टू लूज वेट वेरी फास्ट, उनको भूख ज्यादा नहीं लगती है, तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो ईटिंग स्केड्यूल है वो उनको फॉलो करना चाहिए. और स्पेसिफिकली इन लोगों में ना ग्लूटेन इंटॉलरेंस या फिर डेयरी इंटॉलरेंस ज्यादा देखा गया है. सो दे हैव टू फाइंड द फूड विच दे आर एबल टू टॉलरेट और सिर्फ वही खाने चाहिए. ऐसा नहीं कि वजन नहीं बढ़ रहा है तो दूध पिएंगे, मसल बढ़ेगा, प्रोटीन आएगा, कैल्शियम आएगा, तो इसलिए दूध पीते हैं. वॉट इफ द पर्सन इज एलर्जिक टू मिल्क, ओके, बिकॉज ऑफ ऑल दी स्ट्रेसेस दैट इज गोइंग ऑन इन द माइंड और बॉडी, ओके, सो बिकॉज ऑफ विच ये फूड इंटॉलरेंस भी हो सकते हैं. तो अगर इंटॉलरेंस है तो प्लीज अवॉइड कीजिए उस फूड को, बट अगर नहीं है देन यू कैन स्लोली इंट्रोड्यूस एंड जस्ट डू सम ट्रायल एंड एरर. दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई वॉट इज योर टॉलरेटेड फूड एंड उसको खाना चाहिए बिल्कुल एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करके. सो दिस वॉज जस्ट, क्योंकि बहुत कम लोगों में होता है, मेन टॉपिक हमारा इमोशनल ईटिंग था, जस्ट टू स्लाइड्स ऑन इमोशनल ईटिंग दैट दिस थिंग आई हैव केप्ट, बट आई जस्ट डिडंट वांट टू लेफ्ट आउट दोस पीपल कि हम तो ऐसे नहीं है जो हम इमोशनल ईटिंग करते हैं बिल्कुल, हम तो खाना ही नहीं खाते. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू अड्रेस दोस पीपल एज वेल एज, बट इमोशनल ईटिंग इज अ रियल प्रॉब्लम. आगे जाके वो बड़ा फॉर्म भी ले सकता है जहाँ पे एनोरेक्सिया या फिर बुलीमिया का एक ईटिंग डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं वो सब भी हो सकता है. बट बिफोर वी फॉल इन टू ऑल दैट थिंग वी नीड टू ब्रेक दैट यू नो कंटिन्यूस लूप जो मैं आपको दिखा था, कहीं ना कहीं वो ब्रेक करना पड़ेगा, एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और वो सब सोल्यूशन जो मैंने बताया अगर आप अप्लाई करते हैं देन वी माइट कम आउट ऑफ दिस इमोशनल ईटिंग विद इन फ्यू मंथ्स, एक अगर माइंडसेट फिक्स है तो. थैंक यू सो मच. I hope I was not too fast. And if you have any question, we can take the questions now. I just want to thank again, once again, Samanvay Trust. And if anyone has any doubt, agar hum ye question answer session mein nahi address kar paate hain, then I would request you to either email me or WhatsApp me on this number, whatever the number you can see on the screen. And we also have different social media channels. So I would request you to subscribe and follow on you know all those channels. Thank you so much. So Kinjal, we have observed that during stress time in our clients, a lot of people tend up eating more or eating less, losing their weight or gaining their weight. And when asked, the clients would say, yes, we know, but we can't control. So we could understand the reasons that you explained us. But is there any specific food that we can suggest them or any specific technique? Because counseling we are doing, but I'm asking from the food part. Yeah, so see, when they are emotionally drained and they don't know what's happening, of course, they are going to end up eating more. So, of course, counseling part is very much important over there, and maintaining a food diet is important. Addressing the emotion is important, but any particular food which is going to give a mental calmness, of course, we need to first identify is there any nutritional deficiency or no. For example, omega-3 deficiency, if it's present, then we might crave for, you know, fried foods like samosa, chips ho gaya, ya fir french fries. So people do crave for such foods. So we need to identify and correlate with some other symptoms which indicates that they do have this omega-3 deficiency. And if doctor permits, we may try and, you know, of course, by food wise, we can have walnuts, flaxseed, all these foods we can include in their diet. I think the major reason they fall into this trap is because they are not having a solid routine, the solid food schedule which we are supposed to follow, everyone's supposed to follow. And everyone
do have this timetable, kind of they do follow, but it's like half an hour upar niche kahin na kahin ho jata. So what happens is, if you know that your waking up time is fixed, you are supposed to have a breakfast within an hour of waking up. Okay, so if you are eating enough in your breakfast, which is well balanced meal, you will not feel hungry during that 10 o'clock hour. And if you are feeling hungry, then you should always keep a good food handy. For example, you should always have your fruits whenever you are going to office. So what I have observed in my clients is, when they start working at 10 o'clock, 10:30, they want to first drink their one cup of chai and then start working. Why? Because that half an hour, 1 hour, jo bhi traveling kiya hai, that was very much draining. But if we dig deep, I identify that they haven't eaten enough breakfast. Breakfast would be just like one roti and one cup of chai. This is not breakfast, right? So if you have to avoid that craving, food craving, or you have made that connection ki agar maine chai nahi piya, I won't be able to start my work effectively. So, but if you work on your basic problem, that is not having enough breakfast, if you work on that, of course you will not have this amount of craving. So it's a combination where a dietitian and a psychologist have to work together and identify what is wrong in the food eating schedule, and of course in the emotions, what underlying emotions are there. I have a question in the chat box which says, any new laboratory test for identifying nutritional deficiency? Of course, first of all, if it is a B complex deficiency, we just look at it with the help of symptoms. So if your lips are drying, if you're having, a black colored mark over here, or if you have some mental kind of confusion, if you have dry lips, okay, dry mouth, all these are symptoms of B complex deficiency. Of course, vitamin B12, vitamin D, we can test via blood. Otherwise, you don't have to go for all these minute B complex vitamin deficient testing. It's always economical to have some amount of supplements or good food and understand if that is working for you or no. But yeah, major tests like vitamin D and B12 is basic, and everyone should at least do once or twice a year, because 90% of Indians are either deficient or having insufficient levels of vitamin D, which does play a major role in this also. Emotional eating also. Chocolate and magnesium correlation. Chocolate is a very versatile source of magnesium. Okay, so if we have magnesium deficiency, we might crave for chocolate. So we cannot avoid chocolate completely, but the kind of chocolate we get right now, okay, it is loaded with sugar. So our brain is indirectly getting addicted to that sugar instead of getting benefit of magnesium. So what we can do is having magnesium rich dark chocolate. So it has to be minimum 70 to 80% dark chocolate, which is little bitter to bitter in taste, and not everyone would like that taste. So if you are craving for chocolate, it has to be a dark chocolate only with minimum amount or no amount of sugar in that. So we can actually make sure that the enough magnesium is supplied to the body. And other food source of magnesium are all your nuts and the seeds, sunflower seeds, pumpkin seeds, your walnuts, almonds, all those foods, and of course all kinds of whole grains and pulses. So the whole here is a very important. So if you're having white bread, it is not a good source of magnesium. If you're having parathas or which is maida based, it is not a good source of magnesium. But if you're having whole wheat roti, whole wheat paratha, whole wheat, even breads are sometimes available, but it's always a mixture. So try and have which is organic and really non-processed food for magnesium source. I think after listening to your talk, you are better suited to treat patients with anorexia nervosa and bulimia disorders. Would you agree?
Actually, I'm not a specialist in that because there are now courses, literally master's courses available just for eating disorders. I have just studied just few chapters of that, but I know what is the, pathophysiology and what actually happens. But if any clients come to me with that particular, which is very severe problem, then I would, of course, refer it to some other dietitian who is specialist in eating disorder. But yeah, if some minor amount of stress is present, I think I am able to help them with the food changes, the choices changes. Thank you for your modesty. You are very modest, but I don't agree with you. I think you should treat this kind of people whose emotional disorder you would be better suited to identify. Thank you. Thank you. Thank you so much. So, Kinjal, we have two questions which were asked previously. Mm-hmm. The first question is from Viraj. During office working time, I especially forgot to drink water. Forgot to drink water as I don't feel thirsty and also due to high AC. So what should he do? This is a very common problem and thank you for bringing this question. What happens is we have to keep a target. Jaise we have to make a food schedule. Similarly, we also have to make a water schedule. So you have to keep a target according to your body weight. You have to drink certain amount of water. For example, whatever is your body weight, just multiplied by 0.4. Whatever number comes, that much amount of ml water that you have to consume. So for me, it is 2.8 liters. So I will see how many bottles I am drinking. Okay, I know this is 750 ml water. So I know I have to fill this maybe two times to complete my 1.5 liter target. And other than that, when I'm at home, I know in the morning I drink two to three glasses of water. So this way you have to complete your target. The way you have your office targets to be achieved, this is also a target that you have to give to yourself. And even if you don't feel thirsty, specifically in winter season, this is a very common phenomenon because we feel, thandi bahar hai, we don't feel like drinking water. So you either maintain a in diary that I had 200 ml right now, I had 50 ml right now, whatever. Or there are certain mobile applications available because since we young crowd is always on mobile phone, we can always open that one particular app and tick mark that I had this much amount of water or not. So I think this way you can manage to complete your entire water target. And water intake is very much important because sometimes dehydration is also considered as hunger. So just make sure that is not the reason for emotional eating. So yeah, just keep that one target. Tell your friend that to remind me that I have to drink water. Keep your water bottle in front of you so that you are always reminded. Don't keep it inside the bag where you can't see it. Yeah, fair. In students, particularly what I have seen is, literally I've seen one mother helping her daughter drink water and she took a special permission from the class teacher and she herself wrote in each and every subject notebook, drink water, on each and every page. I salute to that mother's effort. And this is, I had observed when I was in school, okay, that girl was my junior. So I had seen that effort of the mother that on each and every page of each and every subject notebook, she had written, please drink water. So this was her effort for her daughter to, make sure that she's drinking enough water. So Kinjal, if my weight is 65, I have to multiply it by 0.4. That much liters of water I have to drink. Yeah, so this is for normal individual, okay, not for those who have any kind of condition or any special condition. So if your weight is 65, if you multiply it by 0.4, okay, sorry, not 0.4, I think it's some other number, but yeah, so answer is 26, right? So you have to calculate, you have to have 2.6 liters of water, that way. So point multiply by what? 2.6? No. 1 second. So you have to multiply it by 4 only, not 0.4. It has to be 4. So 4 or 40, you can say. So see, I multiplied just 65 with 40. Just put it into the chat. No, everybody will be clear. Okay, fine. I mean, I'll ask you the second question. It's from Dr. Hemant. What laboratory test you are used to identify nutritional deficiencies? I think I already answered that question. It is
if it is, of course, normal vitamin B deficiency, then it has to be the symptomatic diagnosis. If it is proper vitamin D and B12 level, we can always check it. Otherwise, all these micronutrient tests, and it's very expensive. There is no point you spend on that much of on test. Rather, you could have just bought a supplement or had some good food, which is coming in the similar amount. Suppose, for example, I think vitamin D test only is very so costly that maybe we can buy some a wholesome meal for 2 to 3 days of a family. So just keeping that cost in mind, you don't have to test for each and every micronutrient. Instead, you should do a symptomatic diagnosis. And secondly, vitamin D and B12 is something that you need to check, no matter how costly it is, because we can't afford to overdose the vitamin D because they have their own side effects. So those two are what we have to do. So body weight into 40 is your water requirement, is what I'm putting in the chat box. Okay. Akanksha is asking about body image. So how emotional eating affects body image issues? Body image is another huge topic. I think here psychology will play a major role, because the way we have been taught, the way we have been, the way the bringing up has happened in the family, what kind of basic roots are put in your mind, like that racism, we can say, or maybe fair is always good and that is appreciated, dark is not appreciated, or maybe fat is ugly. All those things are first deep rooted in our mind. And this body image issue starts specifically in the teenage. Okay, when there is identity crisis and, they're setting up their identity to understand who I am exactly. So that time they look at others, and specifically today's generation is exposed to social media, where they are seeing their friends and similar peers, not friends, but peers of the similar age group having a very posh lifestyle, because social media is portraying that no matter what amount of, sadness or problems I have, but I will always portray that I am happy and I am blessed and I'm whatever. And because of that, some people don't understand that it's not always true, whatever you put on social media, right? Because of which some people, specifically these teenagers, have this body image issues. And so I think first it is the role of a psychologist to remove that negative thinking pattern. And there's no food role as such to have a body image. But yeah, I also don't promote a positive body image where you are 120 kgs and you are still being positive about your body. No, you have to be mindful and understand that extra kilos of weight is not good for your health after all. It's somewhere portraying that you have some amount of underlying insulin resistance, you have some amount of problem. It could be PCOS, it could be thyroid. So to address that. So there are two extremes in case of body image, where one, the person is just running short of time. We just have two. Okay. 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 So I'll just complete this with one example, that you don't have to be on the extreme cases. You have to accept yourself however you are, and you have to work what is for correct, what is not accepted, but what is correct. That's how you have to work on this body image issues. Thank you so much, Kinjal ma'am, for this wonderful session, and the way you answered the questions, I'm sure everyone has been solved with their queries. Thank you so much. Thank you so much. Poojan, I think he sent some link for water reminder app. Very kind to and very spontaneous to send the link also. You can use that app as well. Very nice. And thank you so much for this opportunity and for being such a patient audience. Thank you. Have a great Sunday. Bye. Bye.